जिले में आज दो महिलाओं ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। दरअसल इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जालौन जिले के कोंच नगर क्षेत्र से सामने आया, जहां पर तनिष ज्वेलर्स के नाम से एक दिनेश कुमार सोनी की दुकान है। आज सुबह सुबह दिनेश कुमार सोनी का बेटा दुकान पर बैठा था, उसी दौरान दो महिलाएं आई हैं और महिलाओं ने बेटे को बातों में उलझाकर लगभग 1,20,000 रुपए की ज्वेलरी पार कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तब हुआ जब CCTV कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद दिनेश कुमार सोनी ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। CCTV फुटेज को कब्जे में लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? दिनेश सोनी। अच्छा, क्या घटना हुई दुकान पे आपके? सुबह 11 बजे की घटना है। बच्चा बैठा था दुकान पे, 16-17 साल उम्र है उसकी। दो महिलाएं आईं जेवर दिखाने के बहाने, जो है उन लोगों ने जेवर देखा, कान के टॉप्स वगैरह, उसी में से 5 जोड़ी टॉप्स लगभग 1.5 लाख लगभग वो चुरा के ले गई। हालांकि उनकी तस्वीर हमारे कैमरे में आ चुकी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशासन से आशा करते हैं कि हमारा नुकसान की भरपाई हो, तो पकड़े जाएं। और यहाँ के पत्रकार हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपने स्तर से इस घटना का खुलासा करें, जिससे जनता को बहुत ही राहत होगी। कितना सामान चोरी, क्या कीमत रही होगी? कीमत 1,20,000 के लगभग का सामान चोरी हुआ है। तो पुलिस में आपने लिखित शिकायत की है? हाँ, वहाँ हम प्रार्थना पत्र दे के आए हैं और वहाँ से हमें रिसीविंग भी प्राप्त हुई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है।